फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या अंतर होता है वो जानेंगे। नोट्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप इजीली जिस भी लैंग्वेज में आपको सूटेबल लगता है उस लैंग्वेज में आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी सच एज सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। एनाटॉमी जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, चाहे उसमें सेल्स आते हों, टिश्यूज़ हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स हैं। एनाटॉमी शरीर में संरचनाओं जैसे कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडीली स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी क्या होता है? जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है उनका क्या फंक्शन होता है, जैसे सेल है तो उसका क्या फंक्शन होगा, टिश्यू है टिश्यू क्या फंक्शन करता है, ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं, उन फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली लैंग्वेज में एनाटॉमी कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी को कहते हैं फंक्शंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी शारीरिक संरचनाओं के कार्य का अध्ययन है। The word anatomy means structure, while physiology refers to the function. The difference between anatomy and physiology is that anatomy is the study of the structures of the body, whereas physiology is the study of the functions of the body. For example, a study of the anatomy of the heart shows that it is made of four chambers, and the physiology of the heart describes the way that it pumps. अगर हम example एक heart का लेते हैं कि तो उसके जो चार चैम्बर होते हैं तो उनको हम किस में कंसिडर करेंगे, एनाटॉमी में। लेकिन वो चार चैम्बर जो पम्प करने का काम करते हैं, ब्लड पम्पिंग का काम करते हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे फिजियोलॉजी में। शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के बीच अंतर यह है कि शरीर रचना विज्ञान शरीर की संरचनाओं का अध्ययन है, जबकि शरीर विज्ञान और शरीर के कार्यों का अध्ययन है। उदाहरण के लिए हृदय की शारीरिक रचना के अध्ययन से पता चलता है कि ये चार कक्षों से बना है, और हृदय का शरीर विज्ञान उसके रक्त पंप करने के तरीके का वर्णन करता है। एनाटॉमी, अब थोड़ा ब्रीफली जानेंगे एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजी विच इंक्लूड ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी एंड प्लांट एनाटॉमी। अमंग दीज थ्री, ह्यूमन एनाटॉमी वॉज द फर्स्ट स्टडीड एंड अप्लाइड फॉर एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंजरीज एंड अदर वाउंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। शरीर रचना विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें शामिल है मानव शरीर रचना विज्ञान, पशु शरीर रचना विज्ञान और पौधे शरीर रचना विज्ञान। इन तीनों में से मानव शरीर रचना विज्ञान का सबसे पहले अध्ययन किया गया और किसी व्यक्ति की आंतरिक संरचनाओं, चोटों व अन्य घावों की जाँच के लिए इसमें लागू किया गया। There are several branches of anatomy. Anatomy की बहुत सारी branches हैं, जैसे first आती है microscopic and gross anatomy. This anatomy mainly deals with the study of large body part, these which can be seen easily through our naked eyes, जिन्हें हम आसानी से अपनी आँख से देख सकते हैं। For example, anatomy of kidney, anatomy of heart, anatomy of lungs, etc. Gross anatomy is further classified into regional anatomy, systematic anatomy and surface anatomy. ये शरीर रचना विज्ञान के मुख्य रूप से शरीर में सबसे बड़े हिस्से का अध्ययन से संबंधित है, जिन्हें हमारी नग्न आँखों से आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए गुर्दे की शारीरिक रचना, हृदय की शारीरिक रचना, फेफड़े की शारीरिक रचना आदि। सकल शरीर रचना को क्षेत्रीय शरीर रचना, प्रणालीगत शरीर रचना और सतही शरीर रचना में वर्गीकृत किया गया है। रीजनल एनाटॉमी अ स्टडी ऑफ ए डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर रीजन। सिस्टमैटिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर द सिस्टम बाय सिस्टम। सरफेस एनाटॉमी स्टडी ऑफ ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्षेत्रीय रचना यानी कि रीजनल एनाटॉमी क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न रचनाओं का अध्ययन। प्रणाली का शरीर रचना मानव रचनाओं का एक अध्ययन, प्रणाली दर रचना। सतही शरीर रचना विज्ञान होते हैं मानव शरीर की केवल आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दिस एनाटॉमी मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर दिस विच कैन ओनली बी एग्जामाइंड थ्रू द माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल्स एंड हिस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी।
यह शरीर रचना विज्ञान मुख्य रूप से बहुत छोटी और सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन से संबंधित है, जिनकी जांच केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही की जाती है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान को आगे कोशिका विज्ञान और ऊतक विज्ञान में वर्गीकृत किया गया है। कोशिका विज्ञान मानव रक्त और कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है और ऊतक विज्ञान मानव शरीर में विभिन्न ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी। दिस एनाटॉमी इज मेनली यूज टू स्टडी द डिफरेंट स्ट्रक्चर चेंजेस इन द बॉडी विच अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज यूज टू नो कम्प्लीटली अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस बिफोर चाइल्ड बर्थ। इस शरीर रचना विज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से शरीर में जीवन भर होने वाली विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भ्रूण विज्ञान विकासात्मक शरीर रचना का उपयोग बच्चे के जन्म से पहले विकास प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए किया जाता है। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजी विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ द कंप्लीट फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ अ बॉडी। इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू फिजियोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें शरीर के संपूर्ण कार्य प्रणाली का अध्ययन शामिल है। इसे आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सिस्टम फिजियोलॉजी क्या होते हैं? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। सिस्टम फिजियोलॉजी शरीर प्रणालियों की संपूर्ण कार्य प्रणाली का अध्ययन है। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुलनात्मक शरीर विज्ञान जीवित जीवों के विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन है। मेडिकल फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड अदर डिसीजेज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। मेडिकल फिजियोलॉजी मानव शरीर के प्रणालियों में कामकाज से संबंधित शारीरिक शिथिलता और अन्य बीमारियों का अध्ययन है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।